नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 5 मई 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ एनालिसिस करूँगा जो आप लोगों को बहुत ही काम पे आएगा, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो को, ये मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद होगा तो जरूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे। नहीं तो बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और जब भी मैंने कोई मैंने बहुत सारा एडुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस, मैंने बहुत सारा वीडियोस मैंने रिसर्च एनालिसिस करता हूँ और बहुत सारा वीडियोस मैंने डालता हूँ टाइम टू टाइम, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। मैंने कल भी एक दिया था, उसके बाद पहले भी दिया था, और मेरा चैनल पर बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो कोई किसी भी आप लोग एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस, और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स है जो भी जो आप लोगों को बहुत ही काम पे आएगा, वो आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा। और जो मैंने बाय सेल लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को नेक्स्ट डे काम करने के लिए, मैंने कल का वीडियो जो डाला था हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट डायरेक्शन थ्रू डायनामिक गन लेवल्स, उसमें वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो आप लोग देख सकता है पिछले वाला बाय सेल लेवल्स कैसे काम किया है, तो उसमें वो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे चार्ट का सेटअप्स तो है ही, और बहुत सारा एडुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस बहुत सारा वीडियोस है, तो इसको वीडियोस को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, जब आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है, इसमें क्या क्या है और कैसे स्किनिंग करना है, वो भी आप लोग को, और मैंने लाइव डेमो रेगुलर बेसिस पे दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग को रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप लोग को ऑमिट हो जाएगा। तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलने के लिए सब्सक्राइब करने के और बेल आइकन दबाने का बहुत ही ज़रूरी है, तो ज़रूर बेल आइकन दबा के रखेंगे जब आप लोग को नोटिफिकेशन मिलना है तो। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है, मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, उसमें आप लोग को पता चलेगा ये मैंने जो स्ट्रैटेजीज अपनाता हूँ और जो जिस टेक्निक्स अप्लाई करके मैंने कैलकुलेशन करता हूँ, तो वो कैसे मतलब अच्छी तरह से काम करता है, तो आप लोग कॉल सर्विस या ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट कर सकता है। पर्टिकुलरली मैं तो बोलूँगा आप लोगों को ट्रेनिंग जरूर ले लेना चाहिए, आप लोग बिगिनर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप लोग को ये क्योंकि इतना कम कीमत में मतलब इतना कम कॉस्ट में आप लोग को किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये आप लोग को ट्रेनिंग मतलब जो लोग बिगिनर्स है उन लोग को तो लेना ही चाहिए, और जो लोग एक्सपीरियंस है उन लोग को भी ट्रेडिंग में बदलाव जरूर आएगा और इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ और रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो इन आप लोग को मेरे इंट्रोडक्शन में देख सकता है, मैंने इन से सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो इसमें मैंने रेगुलर बेसिस मतलब सभी समय यही मेरा फुल टाइम जॉब है, तो इसमें मैंने भी बहुत सारा चीज़ अपना था मतलब अडेप्ट करके बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस करके मैंने ये सब टेक्निक्स मैंने डेवलप किया है, तो इसको आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो इसको आप लोग ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए, तो इसमें आप लोग को सुविधा हो जाएगा। और जो लोग ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं ले सकते उसमें आप लोग को कॉल सर्विस के लिए ऑप्ट कर सकता है या अकाउंट हैंडलिंग के लिए ऑप्ट कर सकता है। तो मैंने आज का एनालिसिस करूँगा, ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्टली मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और ये जो आप लोग को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इसमें दिखाया है, ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है इसमें मैंने खुद बना है, इसमें आप लोग को ये सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आप लोग को भी सिखाया जाएगा, और आप लोग को ये इसका मतलब जो क्या क्या इंडिकेटर लगा हुआ है वो भी आप लोग देख सकते, इसमें आप लोग को मिल जाएगा। मेरा जीरोधा में भी चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोगों को मतलब
सीखा जाएगा। ऑलरेडी एक चैट का सेटअप मैंने दिया था कानबूमी के बारे, जो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और भी मैंने यूज़ करता हूँ वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए मैंने पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए इधर एक स्ट्रॉन्ग इसमें गैप डाउन हुआ है, फर्स्टली तो ये गैप डाउन हुआ था। तो मैंने जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करके मैंने मेरा जो अगला वाला वीडियो है निफ्टी बैंक निफ्टी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का आप लोग देख सकता है। मैंने इंडिकेशन दिया था कि ये ऊपर जा रहा है लेकिन इसका रिवर्सल जरूर आ सकता है क्योंकि इसका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, पीसीआर रेशियो भी बढ़ गया है लेकिन आई भी गिर रहा है। तो इसका कॉल साइड में जो आई भी गिर रहा था उसका तो कॉल उसका इसीलिए उसका गिरने वाला था और पुट साइड में उसका आई भी बढ़ गया था और शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था तो इसके लिए उसका और भी इंक्रीज होने वाला था तो इसीलिए इसका उसका शॉर्ट कवरिंग आने वाला था तो इसीलिए ये प्राइस ये गिरने वाला ही था। इसमें गैप डाउन ओपन दिया है और ये एक बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है, इसका सॉलिड बॉडी है, अपसाइड में कुछ मतलब वीक्स नहीं है और लोअर साइड में वीक है, जो बेरिश करने का लोअर साइड में वीक्स होता है, थोड़ा सा छोटा सा वीक्स होता है, ऑलमोस्ट मारुबुजू टाइप का बनने का कोशिश किया था। ओपन इक्वल्स टू हाई है लेकिन लो इक्वल्स टू क्लोज नहीं हुआ है, थोड़ा सा 9266 और 9293 मतलब ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके ये क्लोजिंग दिया है लेकिन ऑलमोस्ट मारुबुजू टाइप का कैंडल बनता था। तो ये कैंडल का टाइप जो इंडिकेट कर रहा है कि इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है और इसमें जो ट्रेंड का बारे में जो अभी बोलूँगा जो कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न तो मैंने बोला है इसका ट्रेंड जो है अभी तक आप में दिखा रहा है, ठीक है। ट्रेंड इसका जो इंडिकेटर्स का वगैरह का जो ट्रेंड है इसका अभी तक आप में दिखा रहा है, अभी तक इसका आप ट्रेंड दिखा रहा है, अभी तक इसका नीचे थोड़ा सा कुछ नीचे आना है लेकिन और भी एक कैंडल बियरिश कैंडल बनेगा तो इसका कॉन्फर्मेशन आएगा कुछ के और भी नीचे जाएगा। तो इसका अभी मैंने और इसका जो एक बार देख लेता हूँ कुछ मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक बना है क्या एक बार मेरा ना इसमें नहीं देख पाएंगे, ठीक है माने बाद में देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक हार्मोनिक पैटर्न बन के चल रहा है, ये एक हार्मोनिक पैटर्न बना है जिसका ये देखिए ऊपर गया था उसके बाद ये फिर से नीचे गया है, इसका एक हार्मोनिक पैटर्न जो बना था इसका तो इस और ये जो इधर भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनने के लिए दिख रहा हूँ, इधर भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न थोड़ा सा दिखने के लिए बन रहा है और फ्लैग पैटर्न कुछ बनता है क्या नहीं बनता है एक बार देख लेता है। नहीं इसको फ्लैग पैटर्न कुछ कह नहीं जा सकता, फ्लैग पैटर्न कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इधर से देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न तैयार हो रहा है इधर से एक जो इसे इधर से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा और इसको मैंने ऊपर देखूँगा तो इसका फ्लैग पैटर्न इसका बना है। तो इसका जो ये ट्रेंड लाइन जब मतलब ब्रेक करेगा ये ट्रेंड लाइन जब इसका ब्रेक होगा तो इसका एक फ्लैग पैटर्न बन सकता है, मतलब ये जो चैनल है ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका ये चैनल का जो लोअर जो चैनल का जो लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करेगा तो ये नीचे आने का चांसेस है, इसका बहुत ही नीचे जाने का चांसेस है। और मैंने जो बोला था कि इसमें जो एक 2008 से रहा है 2008 से पांचों वेव में ऊपर गया था उसके बाद इसका नीचे आया था, वेव में करेक्शन हुआ था, ये वेव भी चल रहा था तो ये देखना पड़ेगा ये वेव भी फिर से ऊपर और भी ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन लगता है इसका वेव सी चालू हो सकता है, ये इसमें कॉन्फर्मेशन का ज़रूरत है और इसमें भी एक शॉर्ट टर्म में भी एक साइकिल बना है वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये वेव वन इसको पकड़ सकता है, इसको वेव बी पकड़ सकता है, इसके बाद ये वेव सी है, इसके बाद ये वेव
ये वेब वन है, इसके बाद वेब टू है, इसके बाद ये वेब थ्री, ठीक है, उसके बाद ये वेब वेब फोर, इसके बाद वेब फाइव, इसका वेब फाइव बन चुका है, तो ये इसका करेक्शन वेब आ सकता है। ये हो सकता है ये जो एक कैंडल में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन और भी एक बेयरिश कैंडल बनेगा तो पता चलेगा कि कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि इसका मतलब एक करेक्ट शॉर्ट साइकिल में भी एक करेक्शन वेब आ रहा है। तो उसके बाद 9000 इसका बहुत ही मैंने बाद में डिस्कस करता हूँ, और जब ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो उसको सब मैंने बाद में डिस्कस करूँगा। पहले इसका डेली का हिसाब से इसका कितना क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है एक बार देख लेता है। ये जो सपोर्ट का लेवल्स है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यूज नॉर्मल दिखा रहा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, इधर 9400 का जो लेवल है, 9450 का जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद ये इसका जो इधर का जो सपोर्ट लेवल है, मतलब 9560 का, 9564 का जो सपोर्ट लेवल है, 9564 रहना मैं बोलूँगा कि 9564 का ऊपर जब इसका एक और भी एक इम्पोर्टेंट, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है 9607 मतलब 9607, इसके बाद 9669, ठीक है, उसके बाद 9764, उसके बाद 9826, उसके बाद 9922, 9984, उसके बाद 10079, ठीक है। और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है, ये तो इसका आ चुका है, इसका थोड़ा सा इसका नीचे क्लोजिंग दिया है, ये वाला सपोर्ट है, इसके ये वाला जो सपोर्ट है 9247, ठीक है। आप लोग इधर ध्यान रख सकता है, इधर जो मैंने कर्सर रखा हूँ 9250 पकड़िए, 9250 का नीचे इसके बाद 9250 के नीचे आएगा तो 9210 का आ सकता है, उसके बाद 9168 तक आ सकता है उसका नीचे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 9132 या 9130, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद थोड़ा सा करके सपोर्ट है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा ये वाला 8864, इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। और लॉन्ग टर्म में इसका क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है फिर से एक बार देख लेते हैं। इधर 8500 में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और 9298 का तो इसका नीचे आ चुका है, 9298 के नीचे ये क्लोजिंग दिया है, 9293, ठीक है। तो इधर प्रोबेबिलिटी बनता है कि नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। 9266 का आया था, 9298 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए मैनेज नहीं कर पाया इधर, तो इधर हो सकता है इसका एक और भी एक कॉन्फर्मेशन कैंडल बनना पड़ेगा, कल का इसका बेयरिश कैंडल बनेगा या नीचे बनेगा तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि ये नीचे आएगा, 8500 तक आने का प्रोबेबिलिटी बनेगा। हाँ, अप डाउन जरूर करेगा, लेकिन उसका धीरे धीरे नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और इधर 9850 ऊपर का सपोर्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद 10402 इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, और इधर 11000, उसके बाद 11085, उसके बाद ये ऊपर का ट्रेंड ले सकता है, जो कि नामुमकिन का समान है। एनीवे, उसके बाद बैंक निफ्टी, मैंने पहले भी बोला था कि अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन इसका नीचे आएगा, नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। मेरा नेट थोड़ा सा कट हो गया, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी को देखूंगा, और बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मार्केट का, मतलब निफ्टी का मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अब लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी का अभी इसका फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है, मैंने वो भी डिस्कस किया था। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सभी का क्लोजिंग हो रहा है, तो इसमें मतलब लोन्स ज़्यादा नहीं ले रहा है, और लोन जो लेके रहा है वो भी मतलब इसका जो लोन्स लेके रहा है वो भी
क्रेडिट होने के लिए टाइम लगता है, मतलब इसका अनसर्टेनिटी बन गया है, मतलब इसके लिए तो बैंक का जो स्टॉक्स है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो इसीलिए बैंक का निफ्टी का ऊपर ज़्यादा, मतलब बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिलहाल जो इकोनॉमिक कंडीशन है और वर्ल्ड जो सीनरियो है, इसमें बैंक निफ्टी का देखिए चार्ट एनालिसिस करूँगा, इसके बाद बैंक निफ्टी का जो चार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। बैंक निफ्टी का 24 एक मिनट रुकिए, मैंने थोड़ा सा इसको रिट्रेसमेंट, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनता हो उसको भी आप लोग को दिखाया जाएगा, आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो। हाँ, मैंने इसके ऊपर मेरा वीडियोस भी है, हाउ टू कैलकुलेट फिबोनाची लेवल्स एंड स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट एंड हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची लेवल्स। लेकिन इसमें ये जो ट्रेडिंग का व्यू का प्लेटफॉर्म है, इसमें थोड़ा सा मतलब इसको भी आप लोग ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा और मैं ड्रॉ करूँगा तो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया, मतलब सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंजेस लाता है, चेंजेस मतलब करना पड़ता है, तो इसमें और भी अच्छी तरह से दिखता है, इधर से मतलब और भी क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, आप यार अप और डाउन ये बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, सभी लेवल्स भी दिखाता है, उसके बाद एक्सटेंशन का लेवल्स भी दिखाता है। इसी को ये देखिए, इधर से मैंने इतना सारा चीज़ आप लोग को अभी इसमें दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम है। इधर देखिए सभी को इसमें ये जो सभी का लेवल्स है इसको आप लोग को मतलब चेक करना करके देना है, उसके बाद ये जो रिवर्स है उसको भी चेक करके देना है, तो ये आप लोग को इसको ये थोड़ा सा करना करके लेना पड़ेगा। एनीवे तो इसमें देखिए, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का जो कैंडल स्टिक बना है वो भी निफ्टी का तरह ही बना है, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो कैंडल बना है वो भी निफ्टी का तरह ही बना है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है, और अपसाइड में उसका कुछ विक्स नहीं है, ये अपसाइड में थोड़ा सा इसका वीक बनता है, क्योंकि ये ओपन हुआ था 20,514 और हाई गया था 20,530, तो इसका अपर वीक थोड़ा सा है, और लो किया था 20,000, थोड़ा सा अपर थोड़ा छोटा छोटा अपर वीक्स है, मतलब अपर वीक्स है लोअर वीक्स है, लेकिन ये इसका सॉलिड बॉडी एक बना है, इसका एक बियरिश सॉलिड बॉडी बियरिश कैंडल बना है, और वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव चल रहा है, आप लोग भी देख सकता है, वर्ल्ड मार्केट भी इसका इंडिकेट कर रहा है कि नीचे आने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है। तो इसमें और इधर जो इधर अपटेंड का जो इधर थोड़ा सा डाउन टेंड में एक कैंडल का है, लेकिन और एक ये जो इंडिकेटर्स वगैरह दिख रहा है थोड़ा सा डाउन टेंड में दिख रहा है, ये तो चैनल अप टेंड में है, ये चैनल बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है, इसका नीचे आ जाएगा तो ये घूम जाएगा, इसके ये जो एक दो तीन जो लाइन दिख रहा है ये फिर से घूम जाएगा, मेरा पिछले वाला वीडियोज़ देख सकते थे तब ये डायरेक्शन नीचे वाला ही दिख रहा था, ये थोड़ा सा अप टेंड अभी दिख रहा है, तो इधर पीछे वाला लेवल्स भी इसका ये इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। इधर से भी एक टूल्स रहता है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम देता है, रिग्रेशन ट्रेंड, इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकता है, इसका भी ये जो इस्तेमाल करेंगे ये भी ये बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाता है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना पड़ेगा, लाइन्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखिए इसका जो ये है ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है, ये जो इसका जो चैनल है ये जो अप ट्रेंड दिखा रहा जा रहा था इसका चैनल ये इसका जो चैनल है ये अपर चैनल ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, देखिए अपर चैनल इसका ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर गया था 21,000 कुछ 960 तक ऊपर गया था, लेकिन अपर चैनल को इसको ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे वाला चैनल ब्रेक हो चुका है, ठीक है, तो इसका एक कॉन्फर्मेशन मिलना चाहिए, और इसका जो एक्सटेंशन वाला मैंने और भी एक इसका इसके ऊपर और भी एक रिग्रेशन टूल्स डाल देता हूँ, तो इसका और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा, क्लियर पिक्चर आ जाएगा आप लोगों को समझ।
जितना हो सके हम लोग को एक क्लियर पिक्चर देखने का कोशिश करते हो। ठीक है छोटा है इधर तो इतना, इधर एक डालना चाहिए, इधर रिक्टेशन लाइन डाउन साइड से देना चाहिए। एक मिनट इधर सिक्स से नहीं हो रहा है, एक थोड़ा सा आप लोग देखिए कुछ लोग हो सकता हो मतलब क्विकली सब कुछ ये होता है, अब ये अप टेन जाएगा, ये डाउन टेन जाएगा, ये लेवल है, ऐसे जल्दी कर कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो लोग थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा आप लोग को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मार्केट में बहुत सारा लगता है जो, तो उन लोग को देखने से लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग धीरज रख के पूरा देखना है। तो आप लोग को अच्छी तरह से इसका आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो रिमूव ड्राइंग तो पूरा चला गया है, ठीक है कोई बात नहीं है, टाइम वेस्ट होगा एनीवे। तो आप लोग को दिखा दिया है इसका चैनल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और इसका चैनल ब्रेक करेगा तो मतलब ये वाला जो लेवल है 19,595 या 538 का जो लेवल है, इधर इधर का जो ये जो लेवल है 19,595 का जो लेवल दिख रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ 20,656 इधर इधर दिख रहा है, इधर तो क्लोजिंग दिया है 19,743, तो 20,756 21,268 इसके बाद 21,873 उसके बाद और भी 22,296 इसका अपसाइड में दिखा रहा है, और डाउन साइड में इसका ये वाला रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा 19,900 का लेवल का। ये तो नीचे ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसका जो लेवल है मतलब 19,550 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद इसका 19,350, उसके बाद इसका 19,041, मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एनीवे। तो उधर 19,341, उसके बाद 19,020, उसके बाद ये वाला लेवल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा 18,756, उसके बाद ये आ सकता है नीचे 16,000 के आसपास ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को फ्यूचर का चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरा पूरा एनालिसिस को जरूर को जरूर काम पे आएगा, और कुछ पूछना है तो आप लोग को फीडबैक देना है तो आप लोग जरूर फीडबैक दे सकता है, और जो लोग एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन दे सकता है, लाइक कर सकता है या डिसलाइक कर सकता है, कमेंट में ज़रूर बताना, तो मेरा भी उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, मेरा एनालिसिस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसको मैंने कैंडल करना पड़ेगा, ठीक है कैंडल करके डेली चार्ट देखना, ठीक है। तो इधर मैंने देखिए कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, मतलब अगले दिन आप लोगों को दिखाया था इसका ऊपर का जो लेवल है ये बहुत ही वाइटल लेवल है। तो इसका इधर जो है 9,960 का या 9,978 का लेवल, ठीक है, और ये जो गैप डाउन हुआ है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल का नीचे आ गया है, इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल का नीचे आ गया है,
इस एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल का तो प्रोफाइल का नीचे आ चुका है। इसका जो दूसरा जो प्रोफाइल है ये 9229 का नीचे ये क्लोजिंग देगा तो ये सेलिंग साइट में आ जाएगा, सेलिंग का जोन में आ जाएगा। हो सकता है फिर से प्रोफाइल बनेगा, लेकिन फिलहाल जो एट प्रेजेंट सिनेरियो में ये इसमें इसका यही दिखा रहा है 9104, 9120। और इसका जो चैनल है एक्चुअली ये इसका ये चैनल का नीचे तो आ चुका है। इस चैनल का नीचे आएगा तो इसका मतलब इसका लेवल क्रॉस करेगा तो 9170 का लेवल क्रॉस करेगा तो 9916, उसके बाद 8530 का लेवल में ये आ सकता है। निफ्टी फ्यूचर का लेवल इतना आ सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी भी देखिए इधर इसका जा नहीं पाया, ये बहुत ही हैवी डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, तो इसका गैप डाउन हुआ हो गया है। उसके मैंने इसका बोला था क्या इसका जो गैप अप हुआ है तो ये गैप नहीं पसंद करता है तो गैप फिलिंग हो जाता है। तो इधर देखिए फिर से इधर ये एक दिन में ये पूरा गिर गया है, ये गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। तो ये इसका जो नीचे वाला लेवल्स है इसका तो टच कर लिया है। ये इसका नीचे मतलब 20,300 का नीचे जाएगा तो इसका इसका थोड़ा सा मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगा। ये नीचे वाला 18,000 का आसपास आने का कोशिश करेगा और इधर सपोर्ट देगा 18,330 का आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है, देख रहा है। उसके बाद इसका जो सपोर्ट दिख रहा है 17,188। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है। अभी जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा अभी आप लोग ठीक से देख लीजिए। तो इधर देखिए इधर निफ्टी का जो पहले ये 7 मई का जो दिख रहा हूँ, ठीक है 7 मई का जो दिख रहा हूँ, इधर 0.73 इसका पीसीआर रेशियो है, मतलब 0.75 का नीचे जब जाता है, 0.75 से 1 तक साइडवेज मूवमेंट चलता है, 1 के ऊपर ऊपर जाता है, 1.50 के ऊपर फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है। चलो 1.7 भी हो 8 भी हो सकता है, लेकिन 0.75 से 0.50 तक एक इसका या 0.50 का नीचे इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो ऑलरेडी इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी पीसीआर रेशियो दिखा रहा है। इसका सपोर्ट मतलब इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में, इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 9500 में बना है। इधर हैवी शॉर्टिंग हो रहा है, बहुत ही शॉर्टिंग हो रहा है इसका। और इधर वन ऑन ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर ये बहुत ही ज़्यादा है, हैवी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब फेस शॉर्टिंग हो रहा है सभी साइड में। देखिए सभी सपोर्ट लेवल में अपर साइड में ये मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हैवी है, 10,000 तक इसका हैवी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और इधर भी इसका अपसाइड में भी कॉल शॉर्टिंग हो रहा है, 9200 का लेवल में भी शॉर्टिंग हो रहा है। इधर भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 9000 में भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। और पुट साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 9000 में बना है, इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो इसका इधर का लॉन्ग बिल्डअप थोड़ा सा इधर से कम है तो इसका मतलब शॉर्टिंग कॉल शॉर्टिंग ज़्यादा होगा, लॉन्ग बिल्डअप तो ज़रूर होगा, कॉल शॉर्टिंग भी शॉर्टिंग होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इधर मतलब नीचे जाने का ये प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करता है। और इसका देखिए वोलेटिलिटी इसका आई भी बढ़ गया है, इधर भी आई भी बढ़ा है, तो इधर का आई भी ज़्यादा है तो लॉन्ग बिल्डअप होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है। और पीसीआर रेशियो गिरा है, आईबी भी गिरा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है तो इसका नीचे जाने का क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी। मैंने इसका लॉन्ग टर्म में कुछ देख लेता हूँ, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। तो इधर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, देखिए इधर
इधर देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर 10,000 दिखा रहा है, ये इधर रेजिस्टेंस है, और इधर का मतलब लॉन्ग टर्म में क्या एक्टिविटी है 9,000, इसका देखिए 9,000 में ये भी 9,000 में दिखा रहा है, इस एक्सपायरी में इसका नेक्स्ट एक्सपायरी भी 9,000 में दिखा रहा है। उसके बाद इसका जो मतलब लॉन्ग टर्म में क्या एक्टिविटी चल रहा है तो इसमें से पता चलता है कि कहाँ पर, इधर देखिए इधर भी 9,000 में इसका मतलब 9,000 एक इसका इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और 10,000 इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और 9,600 का भी पहले 9,600 उसके बाद 10,000 एक बहुत ही रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है। मतलब उस उधर ही इस सब स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा एक्टिविटी चल रहा है, मोस्ट एक्टिव है ये सब, और वो भी आप लोग को देख सकता है वो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जब लाइव डेमो दिखाता हूँ उस टाइम आप लोग को दिखाता हूँ। और इधर देखिए इधर भी 28 जो मैं लास्ट जो लास्ट एक्सपायरी भी है उधर भी इसका 9,000 में इसका सपोर्ट दिख रहा है, और इधर 9,500 में इसका 9,500 में इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है 9,500 में रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद 10,000 इसका नेक्स्ट हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, तो 9,500 9,600 और 10,000 इसका रेजिस्टेंस है, 9,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके बाद 8,500 का लेवल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8,500 का लेवल 9,000 के नीचे 8,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद 7,500 का लेवल में भी एक्टिविटी जरूर चलेगा, हाँ 7,500 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे करके ये तो गया निफ्टी, ठीक है इसके बाद बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का इसका पीसीआर रेशियो करंट जो एक्सपायरी का पीसीआर रेशियो गिर गया है 0.67 हो गया है, इसका जो रेजिस्टेंस बना है 20,500 पे, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में इधर 19,000 में इसका सपोर्ट बना है, ठीक है इधर सबसे ज़्यादा उधर ओपन इंटरेस्ट, इधर लॉन्ग बिल्डअप या इधर शॉर्ट बिल्डअप, पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप, आई भी गिर चुका है, पी सी आर आई भी बढ़ा है और पी सी आर गिर चुका है, प्राइस गिर चुका है, ठीक है तो इसका ये इंडिकेट कर रहा है नीचे जाने का, प्रोबेबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। इसका भी देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बनता है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका देख लेते हैं इधर कहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, इधर 20,000 का देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी में 20,000 का ये रेजिस्टेंस बनता है, और इधर 19,000 का रेजिस्टेंस बनता है, ये भी 19,000 में दिखा रहा है, ठीक है उसके बाद फिर से और भी देखता है, और लास्ट जो एक्सपायरी है एक्चुअली बहुत सारा लोग मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है लास्ट एक्सपायरी तक होल्ड करता है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इधर 20,000 में इसका ये भी इसका रेजिस्टेंस है, इधर शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, और इधर एक रुका है इधर 16,500 में दिख रहा है दोस्तों, तो इधर एक्चुअली नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो इधर कहाँ पर 21 में दिख रहा हूँ, उसके बाद 28 में देखना पड़ेगा, 28 में देखता है आप लोग बहुत सारा मतलब एक्टिविटी चलता है जो मतलब मंथली एक्सपायरी होता है ना, ये तो वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में आप लोग देखें देख सकता है बहुत ही अच्छा एक्टिविटी चलता है, तो इधर भी 20,000 में इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है तो उसके बाद 21,000 में, उसके बाद 22,000 में, और इधर 19,500 में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है मतलब 19,000 इसमें, और इधर भी 19,000 में भी लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, तो और इधर इधर उसके बाद 18,500 उसके बाद इधर जो 16,000 में बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है इसमें, इसमें भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है, और मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके रखा हूँ, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ये मैंने कैलकुलेट करता हूँ करेंट स्टॉक प्राइस प्रोबेबिलिटी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और 3 दिन का एक्सपायरी का पकड़ के 9,000 या 9,500 का जो लेवल्स पकड़ के दिखाता हूँ, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन इधर जब इसको जब 9,700 को दूंगा सॉरी 9,700 को देने के बाद ये
इसका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और भी इसका मतलब इफेक्ट नहीं लिया है, जो बैठा हूँ इसका इफेक्ट अभी तक नहीं लिया है। थोड़ा सा इंतजार करके देखिए, इसका प्रोबेबिलिटी कम जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने ऑप्शन चेन में लिखा एक्सप्लेन किया है, देखिए इसका प्रोबेबिलिटी गिर चुका है 9700 या 9600 में। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इधर नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इधर भी इधर थोड़ा सा अपट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन मैंने जो ऑप्शन चेन में दिखा है तो वो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इधर मैंने इसका 19000 दिखा रहा है, मैंने सोच लीजिए मैंने 19300 कर दे रहा हूँ, सॉरी इधर 19300 कर दे रहा हूँ, गलत हो रहा है, तो सब गलत दिखा रहा है, कंसोल इसका 19300 कर देता हूँ, तो इसका जाने का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन गया है। तो इसका ऐसे प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को 360 डिग्री एनालिसिस दिखाऊंगा। गन 360 डिग्री एनालिसिस लॉन्ग टर्म का बेसिस पे मैंने 12430 और 17511 जो अप और डाउन सबसे ज़्यादा अप और सबसे ज़्यादा डाउन गया था, और ये भी 32617 और 16116 के बीच में। देखिए इधर मैंने बोला था कि इस लेवल ये बात पकड़ के चल रहा है, तो इधर इससे ही ये रिट्रेस हो रहा है। तो रिट्रेस होने के बाद ये रिट्रेस होके इसका 7500 के रखा नीचे जब जाएगा, इसका फिर से ये डाउन ट्रेंड जाएगा। तो इधर मतलब उसका और भी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो इधर 9700 तक ऊपर जाके ये 9800 तक, इधर 9944 का जाने का प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दिखाया था। लेकिन इसका जो गैप डाउन होके ये नीचे आ गया है, तो इधर फिर से ये नीचे का प्रोबेबिलिटी पकड़ाया है। 9261 का थोड़ा सा ऊपर गया है, 9294 में ये क्लोजिंग दिया है। तो इसका ये नीचे वाला प्रोबेबिलिटी जो दिख रहा है 9261, 9200, 9107, 9013, इसका 8600, तो इधर 9013 और 8637 ये बहुत ही मतलब इसका आसपास होगा, थोड़ा सा 5-10-20 पॉइंट इसका वापस ले सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। और इधर 9390 9764 और इधर 9788 और 9944 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रेजिस्टेंस लेवल होगा। और इधर देखिए बैंक निफ्टी का 19540, इसके बाद ये 8530, 19349 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट लेवल होगा, उसके बाद 8533 ठीक है। और ऊपर जाने के लिए इसका 20145, उसके बाद 20950 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद 22829 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। एनीवे, और मैंने इसके बाद जो वन डेज का हिसाब से जो दिखाऊंगा, वन डेज का हिसाब से भी आप लोग को 360 एनालिसिस करके दिखाऊंगा, वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसका जो तीनों साइकिल रहेगा वो आप लोग दिमाग में रखेंगे तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसका देखिए 9360, मतलब इसका जो बाय ट्रेंड है ये 45 डिग्री एंगल है, उसका जो अपसाइड में जो 45 डिग्री एंगल है 9360 में दिखा रहा है। और इधर 9358 का नीचे इसका जो 45 डिग्री है, इसके बाद 9240 में इसका 90 डिग्री, तो इसमें ये इसका नज़दीक रहता है। तो इधर से आप लोग को एक मिनट आप लोग को दिखा देता हूँ, इसका वन डेज का हिसाब से इसका नीचे जाने का और ऊपर जाने का। देखिए बैंक निफ्टी का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अप दिख रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी का इधर निफ्टी का फ्यूचर का थोड़ा सा अप दिख रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू दिख रहा है आप लोग को ये देखिए नज़दीक रहता है। तो इधर जो इसके बाद इसका 9300 का ऊपर जाएगा तो ये इतना ऊपर तक आ सकता है, और इसका नीचे जाएगा नीचे वाला लेवल ये फर्स्ट साइकिल में ये नीचे इतना तक ये नीचे आ सकता है ठीक है, 8500 का लेवल पे ये आ सकता है। लेकिन ये लेवल्स को बीच का लेवल्स को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके बाद सेकंड साइकिल, सेकंड साइकिल में इसका ये ऐसे होगा और नीचे का लेवल्स भी ऐसे होगा, ठीक है, नीचे का लेवल्स भी ऐसे होगा। इसके बाद थर्ड साइकिल का भी लेवल ऐसा होगा, इतना ऐसे हो सकता है। और इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू दे देता हूँ। लॉन्ग टर्म में जो व्यू देगा तो वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसका जब लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को दिमाग पे रहेगा तो आप लोग को तो ट्रेड करने का टाइम बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इधर फिबोनाची का बेस्ड ऑन टू रेंज, वन डे का टू रेंज का हिसाब से ये बना है, ठीक है। ये 9438, इसके बाद 9528 उसके ऊपर, और ये 9149। आप लोग नोट करते रहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स और फ्यूचर्स दोनों का ही आप लोग नोट करके रखेंगे तो आप लोग को ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो लेवल आएगा, आप लोग जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखेगा ये रेजिस्टेंस देखेगा, और जो रेड वाला पोर्शन दिखेगा ये सपोर्ट बनेगा। ये S1 S2 S3 R1 R2 R3 ये सब सपोर्ट है, ये गाउन का लेवल्स है। ये आप लोग जस्ट नोट करके रखेंगे तो आप लोग दिमाग पे रखेंगे तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए मैंने बहुत ही जितना सा हो सके रहा है एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव, जितना सारा इंफॉर्मेटिव मैंने बनाने का कोशिश करता हूँ, तो ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसका सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए तो इसको आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और शेयर भी कीजिए, और पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। और ये है 7 डेज का हिसाब से फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल, ठीक है। इसका 7 डेज का हिसाब से देखिए स्टील आप दिखा रहा है, लेकिन जब 15 डेज का 30 डेज का हिसाब से दिखाएगा इसका लेवल्स भी आप लोग नोट करके रख सकता है। देखिए डाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। अब फिर से आऊँगा वाईसेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी के लिए, फ्यूचर्स के लिए, और भी बहुत सारे लेवल्स दिखाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद।